न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आया राम गया राम का दौर थमता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में पूर्व दोनों पार्टियों के असंतुष्टों की आवाजाही यहां से वहां जारी है। कोई मनमुटाव की बात बताकर चलता हो रहा है तो कोई पार्टी में घुटन होने से काम नहीं कर पाने की दुहाई दे रहा है। ऐसा ये घटनाक्रम शनिवार को देखने को मिला, जहां जबलपुर से कांग्रेस नेता धीरज पटेरिया ने पार्टी में घुटन होने की दुहाई देते हुए प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है। डेढ़ वर्ष पूर्व 5 नवंबर 2018 को भाजपा से आहत होकर कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के पहले पहुंचे पटेरिया ने भोपाल में शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को भी तिलांजलि दे दी। बता दे, पटेरिया जबलपुर से पूर्व मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता शरद जैन के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इनके जाने से जबलपुर में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। हालांकि अभी तक पटेरिया का मन किसी अन्य पार्टी में जाने का नहीं है। उस निर्णय को आपको मैंने एक कॉपी के रूप में दिया हुआ है। वो निर्णय यह है कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि मेरा बहुत औपचारिक निर्णय था वो कि मैं गया बस हूँ वहाँ पर, और कांग्रेस कार्यालय में जाए बिना, उनका कोई कार्यक्रम अटेंड किए बिना मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जब कांग्रेस में गया था कई कारण थे उसके, लेकिन छोड़ने का एक कारण है बस। वो कारण है कि चूंकि मैं लगभग 3 दशक से ज़्यादा एक विचारधारा में रहा, करीब 32 साल तक मैं लगातार दायित्ववान कार्यकर्ता रहा, तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाया कि मैं अपना मन बदल पाता, अपनी कार्य पद्धति बदल पाता, तो मुझे निर्णय लेना पड़ा। और एक चीज और होती है कि एक स्थान से बात एक पार्टी छोड़ी जाती है, तत्काल दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया जाता है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 निर्णय ऐसे करना पड़े। जो तीसरा निर्णय आज कर रहा हूँ, तो आज तो मैंने बहुत समय लेकर निर्णय किया, क्योंकि जब मैंने शायद कांग्रेस में प्रवेश किया था, मैं कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन में समझ गया था कि शायद यहाँ पे रहना मेरा संभव नहीं हो पाएगा। जबकि वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत महत्व दिया, बहुत स्नेह दिया, लेकिन वही कार्य पद्धति और विचारधारा इतनी बड़ी खाई थी कि उसको पाटना संभव नहीं था। मैंने राजनीति 16-17 वर्ष की उम्र में दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में शुरू की, और एक सपाट रोड थी, इसमें चलता रहा, और एकदम से पिछले 1.5 साल में मुझे आज तीसरा निर्णय है, लेकिन 2 निर्णय मुझे तत्काल लेना पड़े। जब विधानसभा का चुनाव था, 5 नवंबर को मुझे रात में पार्टी छोड़ने का निर्णय करना पड़ा, और सामने नामांकन की अंतिम तिथि थी, तो तत्काल निर्णय करके और पहले कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया मैंने, फिर लगा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो निर्णय किया। उसमें मुझे समय नहीं था, लेकिन वो निर्णय मुझे भी ठीक लगा और जो मेरे साथी थे उनको भी ठीक लगा। और ये निर्णय ऐसा था कांग्रेस में जाने का कि 29 अप्रैल को जबलपुर में मतदान था, और 23 अप्रैल को मैं 5 दिन पहले मैं कांग्रेस में प्रवेश किया मैंने। लेकिन इस बार निर्णय मैंने बहुत लंबे समय तक विचार करके और उपयुक्त समय से इसलिए लगा कि सामने एक उपचुनाव चल रहा है, उसका समय है, और उस उपचुनाव में अब हर पार्टी की अपेक्षा होती है कि भाई आपका आप यदि पार्टी भी हो तो आप वहाँ पे जाके काम करिए। और मेरा पूरे प्रदेश में संपर्क था, जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ भी बहुत अच्छा संपर्क है, यदि मैं वहाँ पे काम ना करूँ तो फिर पार्टी में रहने का औचित्य बनता नहीं।
तो मुझे लगा कि ये उचित समय है कि मैं इस निर्णय को करूं। इस निर्णय में कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सोच समझ के सबसे बातचीत करके सब सहमत है इस बात से, तो मैं ये निर्णय कर रहा हूं। बाकी यदि आप कुछ पूछना चाहें, एक प्रश्न मुझे बहुत से आपके भाइयों ने कल जब पत्रकार वार्ता की सूचना गई थी कि आपकी क्या बात हो गई है दूसरी जगह, तो मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक ही निर्णय कर रहा हूँ कि अभी कांग्रेस से रिजाइन कर रहा हूँ।